स्प्रेडशीट पैकेज में हम जो पढ़ रहे हैं वो पैकेज एप्लीकेशन पैकेज हुआ है एक्सेल। तो एक्सेल में अभी आपको वीडियो के माध्यम से हम वर्कबुक कैसे नया वर्कबुक बना सकते हैं, ओपन एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, इसका जो है पिछले वीडियो में हमने इसको सारे को स्टेप बाय समझा दिया था। अभी उसी वीडियो उसी स्टेप को अभी हम प्रैक्टिकल यानी कि लैपटॉप के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। अभी हम एक्सेल को खोलेंगे, यहाँ स्टार्ट पे जाके क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मेनू खुलेगा जहाँ लिखा रहेगा ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं और फिर हम जाते हैं ऑफिस पे। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाकर क्लिक करते हैं तो उसका पॉपअप मेनू खुलता है और यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये आपका एक्सेल का वर्कबुक खुल जाएगा। ये एक्सेल का वर्कबुक खुल गया। अब यहाँ आपको बताया गया है कि न्यू वर्कबुक खोलना है, तो न्यू वर्कबुक खोलने के लिए अभी ये डॉक्यूमेंट बंद है, अब यहाँ न्यू वर्कबुक खोलना है। तो न्यू वर्कबुक जो है खोलने के लिए कीबोर्ड के माध्यम से CTRL प्लस N प्रेस करते हैं, लेकिन अगर हमको मेनू यूज करना है तो फाइल मेनू जो दिया हुआ है उस मेनू में जाकर यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्कबुक, तो ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं और नीचे जाकर यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। नीचे क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट पे हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं हमारा वर्कबुक जो है जो ब्लैंक वर्कबुक है वह खुल जाता है। यहाँ आपको देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बुक वन यहाँ और यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये हो गया न्यू, यानी न्यू करने का स्टेप है कि फाइल मेनू में जाकर हम न्यू बटन पर प्रेस करते हैं तो एक जो है एक ब्लैंक वर्कबुक हमारे सामने खुल जाता है। अगर हम इसमें काम करने के बाद जैसे हम काम करते हैं इसमें, जैसे ये सेल एक्टिव है, A1 सेल एक्टिव है और यहाँ पे हम नंबर टाइप कर रहे हैं, फिर इसके बगल में फिर हम नंबर टाइप किए, कुछ भी काम करने के बाद अगर हम नंबर्स में टाइप करते हैं तो काम कर रहे हैं, यानी कि जो सेल एक्टिव है उस सेल में हम नंबर जो है वह प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड के माध्यम से। अब जो इस डॉक्यूमेंट में यानी वो जो वर्कबुक खुला है उसके वर्कशीट में हम यहाँ इंट्री किए यानी नंबर टाइप किए हैं। अब काम करने के बाद इसको आपको सेव करना है इस वर्कशीट को, तो फाइल मेनू में जाकर यहाँ जो है ऑप्शन दिया हुआ है सेव एज, सेव एज ऑप्शन या सेव पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ माउस से हम क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नेम, यानी आपको जो वर्कशीट जो काम कर रहे हैं या वर्कबुक उसको सेव करना है तो इसके लिए फाइल नेम देना होगा। फाइल पहली बार अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको फाइल नेम टाइप करना होता है, फाइल नेम देना होता है, तो इसमें यहाँ हम फाइल नेम देते हैं। जैसे फाइल नेम दे दिए SVM, दे दिए SVM और यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर दिए, सेव बटन है,
सेव बटन पे हम क्लिक कर दिए। आप देख रहे हैं कि ये फाइल सेव हो गया। यहाँ जो बुक वन लिख रहा था अब यहाँ पे SVM लिख रहा है, यानी SVM नाम से ये वर्कबुक जो है वो सेव हो गया। अभी इस जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है अब ये आपका इसको बंद करना है, क्लोज करना है डॉक्यूमेंट को, यानी कि वर्कशीट जो काम कर रहे थे वह सीट को बंद करना है। तो फिर फाइल मेनू में जाएंगे और क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लोज ये जो है वो आप देख रहे हैं कि एक्सेल खुला हुआ है, अब वर्कबुक बंद हो गया जिसमें हम काम कर रहे थे, वर्कबुक वर्कबुक बंद हो गया है। अब इसको ओपन करना है, यानी एग्जिस्टिंग फाइल जो पहले से बना हुआ है उस फाइल को फिर से खोलना है, ओपन करना है। ओपन करने के लिए फिर यहाँ पे फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ओपन, ओपन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं क्योंकि रिसेंट डॉक्यूमेंट दे रहा है जो तुरंत सेव किया गया है, उसका नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, SVM लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ ओपन करते हैं तो ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको हम सर्च करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है SVM, SVM पे क्लिक करते हैं और ओपन बटन पे क्लिक कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि ये फिर से खुल गया है, यहाँ SVM दिखा रहा है और ये हो गया। यानी कि फाइल मेनू में जब हम फाइल मेनू पर क्लिक करते हैं तो न्यू, ओपन, सेव और क्लोज, यानी कि क्लोज बटन जो है ये सभी जो काम करना है डॉक्यूमेंट से संबंधित वो सारा जो कमांड्स है वो फाइल मेनूज में रहता है। तो ये हो गया ओपन। अगर हमको एक्सेल से भी बाहर निकलना है तो एक्सेल से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है एग्जिट, एग्जिट दिया हुआ है, एग्जिट पे हम क्लिक करते हैं तो ये एग्जिट हो गया, यानी अब हम एक्सेल से भी बाहर आ गए और डेस्कटॉप पे आ गया ये।